हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए एक लंबा वक्त बीत गया है और आज उनकी एक बार फिर से चर्चा इसलिए क्योंकि अगर आज वो जिंदा होते तो अपना 35वां जन्मदिन मना रहे होते। आज सुशांत सिंह राजपूत की बर्थ एनिवर्सरी है। 21 जनवरी 1986 को उनका जन्म एक छोटे से पटना के गांव में हुआ था और पटना से निकलकर माया नगरी के सफर को तय करना, एक सुपरस्टार बनने की कगार पर आगे बढ़ना, एक चमकता सितारा वो थे। लेकिन जिस तरीके से उनकी मौत की खबर सामने आई थी उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। बहरहाल वो तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अलग अलग तरह से उनके फैंस, उनके प्रशंसक, उनका परिवार उनको आज श्रद्धांजलि दे रहा है, ट्रिब्यूट दे रहा है और उनको याद कर रहा है। इसी कड़ी में रिया चक्रवर्ती भी फूल खरीदती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर उनकी कुछ वीडियोज वायरल हो रही है जिसमें वो फूल तो खरीद ही रही है साथ ही साथ मीडिया को लताड़ रही है। लताड़ना इसलिए कहेंगे क्योंकि पहले जैसे ही वो गाड़ी से निकली तो उन्होंने साफ तौर पर कहा पेपराजी से कि मेरी फोटो मत खींचना, मेरे पीछे मत आइए। उसके बाद पेपराजी ने फिर भी उनसे रिया मैडम एक फोटो इस तरीके से करके उनके आगे पीछे घूमने की कोशिश की तो फिर रिया ने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा मैं फूल ही तो खरीदने आई हूँ, मेरी फोटोज क्यों ले रही है। तो ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ग्रे टॉप में रिया नजर आ रही है और उससे कुछ देर पहले ही उनकी माँ भी वहां पर नजर आई थी। तो फिलहाल रिया नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रही हैं और उम्मीद ये है कि आने वाले वक्त में हो सकता है वो इस गम से उबरे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। इन सब के बीच बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जिनका समर्थन रिया को मिल रहा है, जैसे कि आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने हाल ही में रिया का सपोर्ट किया और कहा कि कौन कह रहा है कि वो आने वाले वक्त में अच्छा काम नहीं करेंगी, मैं कहती हूं कि वो बहुत अच्छा काम करेंगी। निखिल द्विवेदी फेमस फिल्म मेकर है, पहले ही कह चुके हैं कि मैं उनके साथ काम करना चाहता हूं। और इन सब के अलावा हाल फिलहाल वो राजीव लक्ष्मण के साथ नजर आई थी जो रोडीज के जज रहे हैं, उनके साथ एक पार्टी में उनकी कुछ फोटोज वायरल हुई थी। तो कुल मिलाकर जो स्टार्स का सपोर्ट है वो रिया को मिल रहा है और इन सबके बीच धीरे धीरे रिया अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ रही है। इस पूरी खबर को लेकर और रिया ने जिस तरीके से पेपराजी से कहा कि मेरा पीछा मत करो, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ा साइड हो जाए, थोड़ा रिया जी रिया रिया रिया।